हेलो जी, क्या हाल है सबका? मेरे भाई और उनकी बहनों, सब फिट हो यार? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यार, आज है हमारा प्लान भाई रफ्तारी का। ठीक है, भाई से मुराद है जो पीसी होटल है ना, तो वहाँ पे आज हमारी इफ्तारी और आज है 21वां रोज़ा। और अभी इफ्तारी में रह गया पूरा 1 घंटा। देख सकते हो इफ्तारी होती है 6:40 पे, बल्कि 5 मिनट और कम हो गए हैं। पीछे मुर्गों ने शोर डाला है, पता नहीं किसके मुर्गे हमारे छत पे आ जाते हैं। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और घर की भी चीज़ें पूरी करनी है और वहाँ पहुँचना भी है। देखते हैं कितनी देर में हम पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। मुर्गे मेरा व्लॉग ख़राब कर रहे हैं। आप लोग भी कहते होंगे यार, एक वीडियो डाल के कितना इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन यार ऐसा नहीं है। मुझे असल में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कॉलेज, उसके बाद ये घर का काम वगैरह, रोज़ा भी होता। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता। आगे मेरे पेपर होने, तो छुट्टियाँ होंगी, मैं रेगुलर अपडेट दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी साथ साथ मैं करता रहता हूँ कोशिश। अभी चलते हैं बिना किसी देरी के। मैंने शूज़ भी नहीं पहने, घर की भी चीज़ें पूरी करनी है। इन मुर्गों को मैं जान से मार दूंगा। मैंने खुद नहीं रखे कि शोर डालेंगे, मुझे शौक भी नहीं है। किसी के मुर्गे हमारे घर में आ जाते हैं और पूरा दिन हमारे घर में रहते हैं, हम उनको पकाते हैं फिर आ जाते हैं। तो अभी चलते हैं फिर। बाकी यार, ईद का सीज़न है और कमरा बिखरा पड़ा है, ये देख सकते हो। सारा सामान वो है कि कपड़े सिलाई करने वाला, तो ईद का सीज़न है, इस चीज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि घर के अंदर थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। मेरा कमरा बिल्कुल भी सेटल नहीं है और एज़ यूजुअल कभी भी नहीं हुआ। एक टाइम आएगा जब मैं इसको सेट करूँगा, बहुत दूर है व्यू। ठीक है, तो अभी तो चेकिंग भी होनी है ख़तरनाक ऊपर से। यार फाइनली गाड़ी तो पार कर ली है पीछे। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ देख कर मेरा इतना दिल पिघल रहा है। चलो कोई नहीं, हम भी ले लेंगे एक दिन। तारी में रह गया तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं शायद, तो बगैर किसी देरी के जाते हैं अंदर। बाकी मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि अब उनके सामने पता नहीं मैं ब्लॉग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ट्राई करूँगा, लेकिन तो इंट्रेंस हो चुकी है अंदर और वेरी 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 काइंड ऑफ नर्वस। बिकॉज 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन उससे मैंने ब्लॉग तो नहीं किया था। लेकिन आज जब ब्लॉग कर रहा हूँ तो इतनी गंदी किस्म की नर्वस हो रही है। क्या देख, दिल पिघल रहा है, मतलब बीच में कूद के मरने लग गए। अब सारी बंदा बाद में कर ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? पहला नाम है आपका, क्या नाम है? नाम भूल गए, अब्दुल्ला नाम है। ठीक है, तो कौन सी क्लास में आप? सेवन में। और आप? क्लास 1। यार सच अ नाइस काइंड ऑफ गाइस। एंड देखते हैं अभी कितना टाइम रह गया। और थैंक टू अंकल, इन्होंने आज हमें इनवाइट किया। तकरीबन 5 से 10 मिनट रह गए हैं और उसके बाद फिर प्लान करते हैं, फिर किसी दिन बुकिंग लेके नहाएंगे और यहाँ पे नहाएंगे। ठीक है, मैं आज तक स्विमिंग पूल के अंदर नहीं नहाया, लिटरली मैं आज तक किसी स्विमिंग पूल में नहीं नहाया। ठीक है, गांव वगैरह में कभी कहीं नहाया हूँ, लेकिन स्विमिंग पूल में कभी भी नहीं नहाया। तो अभी ये है, आई थिंक भी कर ली और स्वीट्स भी खा ली। अब बिल्कुल भी कैपेसिटी मेरे पेट में है। चाय पी लेते हैं। ये रहा कप, इतना बड़ा कप है कि मैं इसके अंदर खुद ही आ सकता हूँ। अच्छी लगी वो पीएंगे। इसको यहाँ रखा, कॉफ़ी तो ले ली है, मेरा दिल है कि इसमें एक चीनी भी डालनी है। चलो ठीक है, इसको 1 मिनट रखते हैं यहाँ पर। आपने लिए यही लोगे? डाल दूँ? बताना कितना डालना होगा। बहुत है, बच्चे तो शौकीन होते हैं यार स्वीट्स के। या मैं भी बच्चा बन गया हूँ। एक रखते हैं कप केक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 1 2 1 2 यार ऐसे उठा के रखते हैं। बच्चों नहीं पता करता हूँ मैं भी। बहुत है ना इतना? ठीक है, आप लोग भी थोड़ा कम खाया करो, ज़्यादा सी तुम्हें अच्छा नहीं होता। मैं शुरू से ये समझता था कि इस पानी का रंग ही ब्लू होता है, मतलब ये कुछ स्पेशल किस्म का पानी होता है जो मतलब ब्लू कलर का होता है। लेकिन बाद में समझ आई कि नीचे जो टाइल लगी होती है ना, इसके ऊपर जो कोटिंग होती है, अब ये ब्लू हो जाता है। यार मैं शुरू से यही समझता था कि ये ब्लू कलर का पानी है। तो अफ्तारी होगी, अभी निकलते हैं थोड़ी बातें वगैरह करके,
तो यार इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी दबाना। और तो मेरे 1K के होने वाले हैं यार, सबसे बड़ी बात, तो उसका भी एक स्पेशल किस्म का केक काटेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ओके फिर।